हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन। सत श्री अकाल। दिस इज द सेवंथ लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड यू माइट बी अवेयर दैट एज पर द रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 2021 आर टू टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड। वन इज रेट ऑफ चेंज एंड अनदर इज approximations. So today in this lecture we will discuss exercise 6.5 from question number 11 onward. So let us start. सभी चीज़ें बताई जा चुकी हैं इससे पहले, क्या हैं basics, किस तरीके से हम लोगों ने ये maximize और minimize करना है functions को। So एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आपके पास तीन चार मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स जो भी दिया है एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया जाता है, उसको जीरो के साथ इक्वेट करके वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन फॉर एक्स इज इक्वल टू सी वन then C1 is called point of maxima and if f double dash x is greater than 0 for x is equal to C2 and these C1 C2 calculated by equating f dash x is equal to 0 then C2 is called point of minima using the second derivative test. अगर किसी में f डबल डैश x जो है f डबल डैश है, अगर मैं f डैश बोल गया हूँ तो उसको करेक्ट कर लो, f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू c1 के लिए लेस देन जीरो है, देन एफ एक्स जो है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी फॉर x इज इक्वल टू c1 के लिए, x इज इक्वल टू c1 विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर ग्रेटर देन जीरो है f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू c2 तो एफ एक्स विल बी मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी टू। ये चीज़ ध्यान में रख लो, अगर एफ डबल डैश जीरो आ जाता है किसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो वहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाता है, हम लोग वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर चले जाते हैं। आपको बताया जा चुका है कैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। उसने हमें एक फंक्शन दिया है और वो कहता है कि वो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल जीरो टू क्लोज इंटरवल जीरो टू टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो इसमें जो हमारा फंक्शन है उसमें ए इन्वॉल्व है और हमें पता है कि जो हमारी वैल्यू मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होती है, जो पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है वो हमेशा कहाँ आता है, वो यहाँ पर, जहाँ आप कह लो कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं वहाँ पर हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। तो यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसने कहा है कि x इज इक्वल टू वन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर x इज इक्वल टू वन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो ये एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट की कैटेगरी में आ गया और इस पॉइंट के ऊपर एफ डैश एक्स जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश वन को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे और वहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 120। तो ये हमारा आंसर है। बिल्कुल मैं क्लियरली बता रहा हूँ फिर से कि जिस पॉइंट को उसने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिया है वो पॉइंट, उस पॉइंट के लिए फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के इक्वल ही होगी और उसी कंडीशन से हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसी को हम आंसर कहेंगे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन वाली साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। बाकी जो क्वेश्चन है इन बिटवीन वो आप कर सकते हैं, बड़े इजी हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट, इससे पहले मैं क्वेश्चन जो था वो सॉल्व करता था आपके सामने तो बहुत लंबा हो जाती थी वीडियो भी और मैंने फील किया है कि शायद बच्चों को इतनी लंबी वीडियो देखने का टाइम भी उनको निकालना पड़ता है, इसलिए अब सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस मैंने ताकि मैं जल्दी से डिस्कस करते आगे बढ़ता जाऊं। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेके
जो है वो नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। और इससे बाकी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, इससे पहले 6 लेक्चर्स जो हैं उनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप, अगर कोई बच्चा रह गया है तो वो प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकता है। ठीक है जी, अब देखते हैं ये क्वेश्चन है। हमने दो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास एक्स एंड वाई, हमने उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, सम 60 के इक्वल है और एक्स इंटू वाई रेस्ट पर 3 शुड बी मैक्सिमम। हमने ये ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम है करना है। देखो फंक्शन कैसा दिया है कि जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, लेकिन हमने उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, यू विल सी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अगर वन वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल है तो साथ में कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी होगी जिसके थ्रू आप लोग द गिवन फंक्शन को यू कैन कन्वर्ट इन अ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पर भी वैसे ये वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो यहाँ पुट कर दी है। नाउ वी हैव अ स्टैंडर्ड फंक्शन इन अ सिंगल वेरिएबल इन एक्स, सो नो प्रॉब्लम, इजली वी कैन मूव फर्दर। एफ डैश एक्स यू इंटू वी अप्लाई करोगे, एक्स इसका डेरीवेटिव 3 इंटू 60 माइनस एक्स स्क्वेयर, 60 माइनस एक्स का डेरीवेटिव माइनस 1, क्योंकि 60 का 0 है, एक्स के साथ नेगेटिव है माइनस 1, प्लस 60 माइनस एक्स रेज टू पार 3 एज इज रहेगा, एक्स का डेरीवेटिव 1 आ जाएगा, साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। अब 60 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3x, यहाँ 60 माइनस एक्स, और सॉल्व करके 60 माइनस 4 हमारे पास ये फैक्टर बन गया, एक 60 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर बन गया। डबल डैश एक्स कैलकुलेट किया है हमने यहाँ से यू इंटू वी, दोबारा से ये फंक्शन एज इट इज यू डेरीवेटिव ऑफ वी 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x का माइनस 4, फिर दूसरे केस में 60 माइनस 4x डेरीवेटिव ऑफ 60 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर का 2 टाइम्स 60 माइनस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ 60 माइनस एक्स इज माइनस 1। सो इन दिस वे यू वी कैन टेक कॉमन 60 माइनस एक्स, आफ्टर टेकिंग कॉमन दिस फैक्टर माइनस 4 टाइम्स 60 माइनस एक्स विल बी द फर्स्ट टर्म इन द ब्रैकेट, माइनस 2 टाइम्स 60 माइनस एक्स विल बी द सेकेंड टर्म इन द ब्रैकेट। सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी हैव 60 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स माइनस 360, 6 कॉमन ले सकते हैं, दो फैक्टर आ गए हैं, वन इज 60 माइनस एक्स एंड अनदर इज एक्स माइनस 60। सो लेट अस मूव फर्दर, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है 60 माइनस एक्स का, ऑलरेडी बताया जा चुका है। उसको इक्वेट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली कैलकुलेट करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट मेथडोलॉजी सेम रहेगी, कोई इशू नहीं है। वहां से एक वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 60 आ गई है, दूसरी एक्स इज इक्वल टू 15 आ गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्स इज इक्वल टू 15 लेके एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। अगर आप 15 पुट करते हैं तो यहाँ से नेगेटिव आएगी वैल्यू, यहाँ से पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली एफ डैश ऑफ जो 15 है दैट इज लेस देन 0। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक्स इज इक्वल टू 15 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। टू पॉजिटिव नंबर्स आर, एक्स 15 है तो वाई कितना हो गया 45, दो पॉजिटिव नंबर आ गए हैं जिनका सम 60 है, लेकिन अगर आप एक्स इंटू वाई क्यूब की बात करेंगे दैट विल बी मैक्सिमम। अब बात दूसरे पॉइंट की भी कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 60 की। एक्स इज इक्वल टू 60 क्या है, जब इस एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए एफ डबल डैश कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो वो 0 आ जाता है। इस केस की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका सेकेंड डेरीवेटिव जो है वो 0 आ जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए, तो उस केस उसमें क्या होता है, सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब हम लोग वापस चलते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की, एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स स्लाइटली, एक्स स्लाइटली लेस देन 60 के लिए आप मान लो 59.5 ले सकते हैं, उस केस में जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है एफ डैश एक्स की। आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसी तरीके से क्योंकि एफ डैश एक्स है क्या, ये फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 59.5 या 59 तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चाहे आप स्लाइटली ग्रेटर देन की बात भी कर लो नेगेटिव ही रहेगा।
तो स्लाइटली ग्रेटर देन के लिए भी लेस देन साइन है, ग्रेटर देन के लिए भी लेस देन साइन है, साइन चेंज नहीं हो रहा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर साइन चेंज नहीं हो रहा तो उसको क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू 60 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात कर रहे थे, वो हमें मिल चुका है। ये आपकी ग्रिप बनाने के लिए कंसेप्ट के ऊपर, ये पॉइंट कैसा है कि मान लो किसी किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, वो यहाँ पर ये फंक्शन रुका तो है लेकिन एफ डैश ऑफ 60 जीरो तो है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा। अगर पहले डिक्रीज हो रहा था लेस देन है, अब भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाली साइड। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसके लिए अब एक अपने लेवल पे जो है वो बॉक्स बना भी सकते हैं, पेज पेज की हेल्प से, पेज का कटआउट लेके, ताकि और ज़्यादा ग्रिप बन जाएगी इसकी डिमेंशंस को लेके या बाकी चीज़ें लेके। हाँ जी, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, अ स्क्वेयर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू मेड into a box without top by cutting square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? देखो, ये हमारे पास एक rectangular sheet है, sorry square piece उसने कहा है, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। अगर x जो है कोई स्क्वायर ले लेते हैं, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ फ्रॉम द ईच कॉर्नर। इस तरह से अगर देखो तो एक्स सेंटीमीटर यहां से और एक्स सेंटीमीटर यहां से, ये कितना रह गया, 18 माइनस 2x, इधर भी 18 माइनस 2x, इधर भी 18 माइनस 2x, लेकिन जो हाइट बॉक्स की बनेगी वो एक्स बनेगी। ये जो इस फ्लैप को जब आप फोल्ड करोगे वर्टिकल शेप में तो ये हाइट बन जाएगी एक्स। हाइट कितनी होगी एक्स, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी। डायमेंशंस पता चल चुकी हैं आपको, जो बॉक्स आया है उसका टॉप से ओपन है वो। अब हमने वॉल्यूम की बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये वॉल्यूम फंक्शन आ गया एक तरीके से। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम से आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, क्वेश्चन बन गया है, वॉल्यूम को वी के साथ नोट करते हैं। ये फंक्शन आ गया है, हमने क्या करना होता है, पहले सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, बाद में सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। पहले सिंगल डेरिवेटिव डीवी बाय डीएक्स यू इनटू वी अप्लाई करके आपके पास ये आ गया है 18 माइनस 2x इनटू 18 माइनस 6x, कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 6, मैंने एज इट इज लिखा है। सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट दोबारा से यू इनटू वी अप्लाई किया है और आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी हैव सेकेंड डेरीवेटिव इज इक्वल टू 24 इंटू x माइनस 6। Now by equating dy by dx is equal to 0, we have x is equal to 9 and x is equal to 3. Two values of x are there. So for x is equal to 9, easily we can check second derivative, second order derivative of volume is greater than 0. Second order derivative, ye dekh sakte hain aap kya aaya tha, x minus 6 hai na, jab 9 put karoge to greater than 0 hi aayegi iski value. पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गई है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। क्या बन गया, x इज इक्वल टू 9 इज वॉल्यूम विल बी मिनिमम, लेकिन x इज इक्वल टू 3 के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, लेस देन 0 है सेकेंड ऑर्डर, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वेयर शुड बी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का स्क्वेयर जो है वो हर कॉर्नर से कट ऑफ करना है ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड बॉक्स है उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाली साइड मूव करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। सो फ्रेंड्स, फिक्स्ड सर्कल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। फिक्स्ड सर्कल हमें क्या बता रहा है कि जो रेडियस है वो फिक्स है। रेडियस फिक्स का मतलब रेडियस कांस्टेंट है, जो भी आप रेडियस जिसको भी ज्यूम करोगे उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है आपने, क्योंकि जब डेरिवेटिव करोगे उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है।
और ए बी और सी डी को हमने एक्स ज्यूम कर लिया है, ए डी और बी सी को वाई ज्यूम कर लिया है, लेंथ और ब्रेथ एक्स एंड वाई। राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट लगा के हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। वहां से वाई मैंने बताया था आपको कि जब भी आप, क्योंकि हमने एरिया की बात करनी है, एरिया मैक्सिमम, तो एक्स इंटू वाई आना है, दो वेरिएबल आए गए, वाई को हमने रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वो कंडीशन साथ में दी हुई है, वो क्या है, अंडर द रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आई। ये हमने एरिया ऑफ ए बी सी डी एक्स इंटू वाई, वाई की जगह ये रिप्लेस कर देना है। अब वही प्रोसेस फिर से शुरू होगा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे, डी ए बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, और डी ए बाई डी एक्स यू इंटू वी अप्लाई किया, ये बेसिक डेरिवेटिव्स हैं। और बार बार कहा जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने से पहले आपका डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो है दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट करने वाले हैं इंटेग्रल्स। अगर डेरिवेटिव्स के ऊपर ग्रिप है देन देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन द कंसेप्ट ऑफ इंटेग्रल। सो अपना जो भी है अपने डाउट्स वो क्लियर करके डेरिवेटिव्स के ऊपर प्रॉपर ग्रिप बनाओ। माइनस टू एक्स स्क्वेयर टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये वाला टू और माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एलसीएम लेने के बाद आपका आ जाएगा 4r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 4r स्क्वेयर माइनस एक्स का रूट, ये आपके पास डी ए बाई डी एक्स आ गया है सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव, फिर यू ओवर वी अप्लाई कर लिया है, और यू ओवर वी अप्लाई करने के बाद ये सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे किया है क्या किया है, क्योंकि ये स्टेप है मेन। जब यहाँ से ये टू कैंसिल हो जाना है, ये वाला टू, और ये जब एलसीएम लेना है इधर, तो ये ख़त्म हो गया, ये देखो माइनस फोर एक्स एज इट इज़ आ गया, और ये वाली जो पावर है 1/2, ये जो 1/2 है स्केयर रूट, यही नीचे आगे पावर ऐड होनी, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, ये 3/2 तभी बननी। तो अब फर्दर बात करते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन की, कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया है 2x² माइनस 12r² ओवर 4r² माइनस x² रेस्ट पर 3/2। अब डी ए बाई डी एक्स को जीरो पुट करने के बाद हमारे पास 4r² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। वहाँ से r कांस्टेंट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r कैलकुलेट की है, दैट इज अंडर रूट 2 टाइम्स r। अब अंडर रूट 2 टाइम्स r या एक्स स्क्र को 2r² कह लो, जब आप इसमें पुट करते हो x की वैल्यू x² 2r², तो ऑटोमेटिकली यहाँ -6 8r² बनता है, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे -8r² का मतलब है r तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गई वैल्यू बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एरिया मैक्सिमम हो जाएगा जब x की वैल्यू अंडर रूट 2 टाइम्स r आ गई है। वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो भी अंडर रूट 2 टाइम्स आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एरिया कब मैक्सिमम हुआ, जब x और y इक्वल है। x और y इक्वल का मतलब है कि जब ए बी सी डी जो हमने इनिशियली लिया था वो स्क्वेयर स्क्वेयर है, तो इसका मतलब है किसी भी सर्कल में अगर जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं उसका एरिया तभी मैक्सिमम होता है जब वो स्क्वेयर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वेयर एंड द अदर इनटू अ सर्कल, वट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वेयर एंड सर्कल इज मिनिमम। टोटल लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड इट इज कट फ्रॉम 28 मीटर टू मेक अ स्क्वेयर। सो इट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स मीटर को यूज करके स्क्वेयर बनाया जाएगा, 4 टाइम्स साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर, साइड किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल लेंथ जो पेरीमीटर की है वो एक्स है, तो एक साइड कितनी होगी, एक्स बाय 4 मीटर साइड ऑफ स्क्वेयर। सो इन द सिमिलर वे वी आर लेफ्ट विद द लेंथ 28 माइनस एक्स मीटर टू यूज टू मेक अ सर्कल। एक सर्कल बनाने के लिए 28 माइनस एक्स मीटर जो हमारे पास वायर बची है। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है,
टू पाई आर, वहाँ से आपके पास जो है वो क्या आ गया, रेडियस की वैल्यू आ गई, रेडियस कितना आ गया 1/2π × 28 − x मीटर। कंबाइंड एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर, साइड आई थी x/4, x/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट कर ली है, बता चुका हूँ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो एक कंडीशन साथ में दी होगी जिसके थ्रू जो है हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, और यू कैन से वी कैन कन्वर्ट द गिवन फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन इन अ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ हमने सॉल्व कर लिया है, सिंगल वेरिएबल में फंक्शन आ गया है, वही प्रोसीजर दोबारा से, फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ये फंक्शन आ गया x/8 − 1/2π × 28 − x। सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव कैलकुलेट कर लिया है, सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव जब हमने कैलकुलेट किया है वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/8 + 2 + 1/2π। तो ये क्लियरली दिख रहा है दिस इज ग्रेटर देन जीरो। हमने एक ऐसा कैलकुलेट करना है पॉइंट जिसके लिए जो एरिया है कंबाइंड एरिया दैट शुड बी मिनिमम। तो उस क्रिटिकल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, dA/dx = 0। देखो करते हैं dA/dx = 0, क्या वैल्यू आती है, जब dA/dx 0 किया है तो आपके पास वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 112/π + 4। ये देखने में वैल्यू थोड़ी ऑकवर्ड है लेकिन ऐसे ऐसी वैल्यूज भी आ सकती हैं। अब x = 12, x तो है ही नहीं, dA/dx² वो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है, ऑलरेडी बता चुका हूँ ये ग्रेटर देन जीरो सभी x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू जो कंबाइंड एरिया है मीन्स ए जो है दैट इज मिनिमम व्हेन x = 112/π + 4 एंड सेकेंड लेंथ विल बी 28 − x 20। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन द सेकेंड लेंथ इज 28π/π + 4। सो इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ टू पीसेस, वन लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज 112/π + 4 एंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज 28π/π + 4। लेट अस मूव फर्दर। In question number 23, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r, ये जो given है, r is given, it means r is constant, fixed, is 8/27 of the volume of the sphere. क्या prove करना है, volume of cone is equal to 8/27 times the volume of a sphere. तो लार्जेस्ट कोन, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। लार्जेस्ट कोन मीन्स हमने कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूव करना है। तो ये स्फीयर एक तरीके से मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, एक कोन है और स्फीयर का रेडियस आर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, ये वाली लेंथ जो है हमने इस कोन का रेडियस आर अज्यूम कर लिया है, स्मॉल आर हमने यूज कर लिया है इसका जो रेडियस है कोन का, और अगर स्मॉल आर है तो ये आर स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाली ओ एम लेंथ किसकी इक्वल आएगी, ये बताया गया है यहाँ पर एक्स पाइथागोरस के थ्रू, स्मॉल आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान में रखना है कैपिटल आर इज कॉन्स्टेंट फिक्स्ड, एक्स हमने ज्यूम किया है, ओ एम की लेंथ हमने एक्स ज्यूम कर ली है ओ एम को। तो इन दिस वे हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज ए एम, सो ए एम इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एम, ए ओ इज कैपिटल आर एंड ओ एम इज स्मॉल एच स्मॉल एक्स आर प्लस एक्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यहाँ पर फिर से दो वेरिएबल आ गए, हमने कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल में, तो हमने थर्ड वेरिएबल यूज कर लिया है, यहाँ पर एक्स आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, स्मॉल एच को रिप्लेस कर दिया है कैपिटल आर प्लस एक्स। यहाँ ध्यान में रहे कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट, तो सारा फंक्शन एक्स में आ गया है सिंपली। उसी तरीके से dV/dx हमने कैलकुलेट किया है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास u/v अप्लाई हुआ यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया है, π/3 − (-3x²) − 2rx
प्लस आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान में रहे कि हमारा टारगेट एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, माइनस कॉमन ले लिया है, 3x² प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिया है, माइनस वाई ओवर 3 6x प्लस 2r। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने इक्वेट किया है जीरो के साथ, वहाँ से ये माइनस वाई बाई थ्री जीरो हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक आ गई, इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक में एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लिया, माइनस बी प्लस माइनस, शायद याद हो आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला अप्लाई किया है, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, एक माइनस आर और एक आर बाय थ्री। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ जो है एक्स लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो फाइनली वी हैव एक्स इज इक्वल टू आर ओवर थ्री। एक्स की वैल्यू आर ओवर थ्री आ गई है, ये वैल्यू पुट करने इसमें जब पुट करते हैं बार नेगेटिव है तो लेस देन जीरो आ रही है बाय सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज मैक्सिमम। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है, वॉल्यूम मैक्सिमम आ गई, बताया था आपको लार्जेस्ट कौन। अब एक्स इज इक्वल टू आर बाय थ्री है तो इसको यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 πr² h। इनिशियली जो हमने लिया था h और r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x वही लिखी है, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो भी रिलेशन बना है उसमें से 8/27 कॉमन ले लिया है, बाकी अंदर क्या बचा है, वॉल्यूम 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हमने शो कर दिया है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज शो दैट, क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमने कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है। एंड गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम आपकी कॉन्स्टेंट होगी, फिक्स होगी, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट रूट टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। इसका मतलब हमें एल्टीट्यूड दिया है, हाइट दी है, वर्टिकल हाइट, वो किसके इक्वल है, अंडर रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ये शो करना है, दोबारा से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम एज एन एल्टीट्यूड, ये शो करना है। हमने फाइनली शो क्या करना है, h इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स r, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया इसका रेडियस, बेस रेडियस स्मॉल r है, वर्टिकल हाइट h है, l इसकी स्लांट हाइट है। हमें क्या दिया गया है, हमें वॉल्यूम उसने कहा है कि गिवन है, वो v अज्यूम कर लेते हैं, 1/3 πr² जो भी गिवन स्टेटमेंट सिचुएशन है वो किसके लिए दी जाती है, ताकि हम लोग फाइनली जो हमारा फंक्शन है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकें। एच की वैल्यू आ चुकी है, एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली है इन टर्म्स ऑफ आर, यहाँ वी और पाई कांस्टेंट है। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर यहाँ एल को रिप्लेस कर दिया गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एच को यहाँ रिप्लेस करके पूरा फंक्शन स्मॉल आर के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया, पूरे फंक्शन को स्मॉल आर। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा सरफेस एरिया क्या आया है, अंडर द रूट पाई स्क्वायर आर इस पर 6 + 9v² ओवर आर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं ds बाय dr, u ओवर v अप्लाई करने के बाद, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो है जहाँ पाई स्क्वायर, यहाँ 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 3 πr² आर इस पर 6। हाँ जी, यहाँ बचा 3π² 6r² 6 एक r, ये पावर 1 बेस m पावर z। अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद हमारे पास बच गया है 2π² r² 6 माइनस 9v² ओवर π² r² 10 प्लस 9v² r² 4। हाँ जी, नेक्स्ट ds ओवर dr की वैल्यू ये आ गई है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है यू ओवर वी अप्लाई करके। ये सिंप्लीफिकेशन है, काफ़ी लेंथी है इसकी सिंप्लीफिकेशन, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद
ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल गई है। यहाँ से एक चीज और बताने जाऊंगा, अगर कहीं भी किसी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बहुत लेंथी हो गया है, तो आप अगर उसमें जहां जैसे इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, डीएस ओवर डीआर इज इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, आर इज टू पर सिक्स इज इक्वल टू नाइन वी स्क्वायर ओवर टू पाई स्क्वायर। तो हमने क्या करना था, अगर इसकी स्टेटमेंट हम देखें तो स्टेटमेंट में क्या करना था, हमने हमने इसकी हाँ जी हमने इसकी जो एल्टीट्यूड है और इसका कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूव करना था, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना था। ये हमारे दिमाग में है कि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आर एस टू बार सिक्स है, इसकी वैल्यू आ गई है। अब इस आर की वैल्यू के लिए हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करनी है, तो क्या कर रहे हैं, आर एस टू बार सिक्स आर की वैल्यू चाहे ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, मैंने सीधा ही लिख दिया है डी ए स्क्वेयर एस बाय डी आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन जीरो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज लीस्ट। ऐसे आप कर सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए कैलकुलेशन, तो लिखा जा सकता है कि क्लियरली फॉर दिस, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आर एच टू पर सिक्स के लिए जो भी आर की वैल्यू आई है यहाँ से, उसके लिए हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है। अब फर्दर हमने एच इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स आर प्रूव करना है, आर की वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हमने जो स्टार्टिंग में रिलेशन था यहाँ से ये वाला रिलेशन एच इज इक्वल टू थ्री वी ओवर पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट की है। हाँ जी, यहाँ से एच इज इक्वल टू थ्री वी ओवर पाई आर स्क्वेयर जहाँ वैल्यू पुट करने के बाद, यहाँ से तो वी वी स्क्वेयर की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, ये रिलेशन था जो भी हमारे पास आया है, यहाँ से वी स्क्वेयर कैलकुलेट किया गया वो ये आ गया है। और एच कितना किसके इक्वल है, इनिशियली थ्री वी ओवर पाई आर स्क्वेयर था स्टार्टिंग में हमने लिखा था, वहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दी गई, यहाँ से वी की वैल्यू यही आएगी अंडर रूट टू पाई देन आर क्यूब ओवर थ्री, ये वैल्यू आएगी वी की, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी एच में। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये रिलेशन क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू आया है, डी वी बाई डी एक्स डी एस बाई डी आर को इक्वल टू जीरो पुट करके वहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाली गई। आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं, जो इनिशियली हमने एच की वैल्यू निकाली थी उसमें वी की वैल्यू पुट की है, बस वी की वैल्यू पुट करने के बाद आ गया अंडर रूट टू टाइम्स आर। और हाँ जी, यही हमने प्रूव करना था अंडर रूट टू टाइम्स आर, ये इसको ज़रूरत नहीं है नोट करने की, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है कोन की वॉल्यूम को, ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज टैन इनवर्स अंडर रूट टू। अब स्लांट हाइट गिवन है, इसका मतलब स्लांट हाइट जो एल है उसको कांस्टेंट आपने लेके चलना है, ये कांस्टेंट है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, वॉल्यूम ऑफ कोन वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, पूरा रिजल्ट एच में कन्वर्ट हो गया है पूरी वॉल्यूम। अब हम लोग डी वी बाई डी एच कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डी वी बाई डी एच, उसके बाद एच एल को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एच स्क्वायर वो तो क्लियरली दिख रहा है कि लेस देन जीरो है, फिर भी डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू जीरो के थ्रू आपके पास एच की वैल्यू आ गई है एल ओवर अंडर रूट थ्री। अब एच इज इक्वल टू एल ओवर अंडर रूट थ्री के लिए सेकेंड डेरीवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है, तो अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो बाई यूजिंग यूजिंग द सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है, एच किसके इक्वल है एल ओवर अंडर रूट थ्री, आर स्क्वेयर किसके इक्वल था एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर वैल्यू पुट कर दी, और आर की वैल्यू अंडर रूट टू ओवर अंडर रूट थ्री टाइम्स एल आ गई है। अब फिगर से अगर आप देखो, अगर कोन की फिगर देखी जाए तो वहाँ से क्या था कि सेमी वर्टिकल एंगल ये था थीटा, और ये एल, ये एच और ये आर। तो अगर टैन थीटा की अगर बात करें तो टैन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, ये थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस आर ओवर एच आ रहा है,
तो आर की वैल्यू और एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, कैंसिल हो गया है, एल भी अंडर रूट थ्री भी अंडर रूट टू बचा है, यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ गया है, टैन इनवर्स अंडर रूट टू। ये सेमी वर्टिकल एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में बस यही क्वेश्चन डिस्कस करना है लास्ट, बाकी आप खुद कर सकते हैं। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया, इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि सरफेस एरिया गिवन है, कॉन्स्टेंट है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और सेमी वर्टिकल एंगल ये हमें शो करना है। थोड़ा सा डिफर करता है पहले क्वेश्चन से। यहाँ सरफेस एरिया गिवन है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमने एस एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वी कितना है वॉल्यूम वन ओवर, इसको मैक्सिमाइज करना है वन ओवर थ्री पाई आर स्क्वायर एच। टारगेट है कि हम लोग सिंगल वेरिएबल में लेके आए, एच की वैल्यू कितनी है अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है ताकि ये हमारा फंक्शन इजी बने, इजी बनाने की कोशिश करनी होती है, फर्दर डेरिवेटिव्स उसके इजीली हम लोग कर सकें, कोई इशू ना हो। पाई आर स्क्वायर ओवर थ्री सिंप्लीफाई करके यहाँ एल की वैल्यू पुट की गई है, पूरे का पूरा फंक्शन आर में कन्वर्ट हो गया है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फंक्शन बचा है वो कितना बचा है, आर ओवर थ्री एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ से बची है जिसको हम लोग वी कह रहे हैं, वी को हमने डी वी बाई डी आर कैलकुलेट करना है, और ये वी आ गया है वी स्क्वायर। देखो हमने वी को प्रूव करना है कि वी जो है वो मैक्सिमाइज है, तो वी को मैक्सिमाइज प्रूव करने के लिए अगर हम वी स्क्वायर को मैक्सिमाइज प्रूव करते हैं तो कह सकते हैं जो जिसका स्क्वायर मैक्सिमम है वो नंबर भी मैक्सिमम ही होगा। वी स्क्वायर को हमने मैक्सिमाइज कर देना है ताकि सिंपल हो जाएगा आपका जी फंक्शन, वैसे डेरिवेटिव बहुत डिफिकल्ट हो जाना है। इसको स्केयरिंग करने के बाद पी ज्यूम कर लिया है, अब नया फंक्शन बन गया पी, हमने पी को अब मैक्सिमाइज करना है। अब आर स्क्वायर को अंदर ले गए हैं, सिंगल ही फंक्शन है डी पी बाई डी आर, सिंपली एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो आर स्क्वायर की टू आर, टू एस पाई कॉन्स्टेंट है तो आर इस पर फोर की फोर आर क्यूब, डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट है, इसको हमने सिंपलीफाई किया, दोबारा से डिफरेंशिएट किया है। अब इसको डी पी बाई डी आर को जीरो के साथ, सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, वहां से आर जीरो है जहाँ आर की वैल्यू फोर पाई आर स्क्वायर है, जहाँ यहाँ से अंडर रूट एस ओवर फोर पाई भी कह सकते हैं। अब इसके लिए हमने डी स्क्वायर पी बाई डी आर स्क्वायर को लेस देन प्रूव करना है। अब लेस देन प्रूव करते हैं, एस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर पुट करने के बाद ये लेस देन प्रूव हो गया है, आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। यहाँ जस्ट एस की जगह फोर पाई आर स्क्वायर पुट करना है तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। पी मैक्सिमम है, वी स्क्वायर भी मैक्सिमम, अगर वी स्क्वायर मैक्सिमम है तो वी मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम है कब मैक्सिमम है, जब एस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर है। एल किसके इक्वल आ जाएगा, इनिशियली आपको बताया है एल और इसका रिलेशन एस का, यहाँ फोर पाई आर स्क्वायर पुट करोगे थ्री पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर है तो क्या बचा थ्री आर, एल इज इक्वल टू थ्री आर, फिगर के अंदर हमारे पास ये रिलेशन है, ये थीटा है, ये एल है, ये आर है, ये एच है, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, आर ओवर एल, आर ओवर एल की वैल्यू पुट कर दी है थ्री आर, आर और आर कैंसिल हो गया वन बाई थ्री, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन ओवर थ्री सेमी वर्टिकल एंगल, यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमने एक ही रह गया है एओडी का, उसके अंदर हमने मिसलेनियस डिस्कस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच।